अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से हैं अच्छा आज एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और कोई गंस की बात नहीं करूँगा मैं प्योरली अपने चैनल की बात करूँगा और क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज मिला यूट्यूब की तरफ़ से कि टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आपके हो गए हैं और ई मेल आए और बड़े उसने उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें कहीं बड़ी मेहरबानी शुक्रिया तो उन्होंने ये भी कहा कि आप तो अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का भी शुक्रिया अदा करूँ और बिल्कुल मैं मानता हूँ करना भी चाहिए उसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ चार पाँच दिन ऊपर हो गए जिसके लिए माजरत है और मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब हमने ये चैनल शुरू किया था आ, मैं इससे पहले मैं अपने ब्लॉग पे लिखता होता था, था गन्स के बारे में और बहुत बहुत ज़्यादा अरसा कुछ सालों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाना चाह रहा था वो लोगों तक नहीं पहुँच रही थी और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं अंग्रेज़ी में लिखता था उर्दू की मेरी स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं थी लिखने की और आ, लिखना भी नहीं आता था कंप्यूटर पे तो वो वो पहुंच रही नहीं थी वो बात लोगों तक और तो हमने एक्सपेरिमेंटल मैंने ये शुरू किया कि हम एक वीलॉग बनाते हैं जिसमें उर्दू में बात की जाए और प्योरली उसका मकसद ये हो कि अनबाइस रिव्यूज़ और गन की चीज़ें जो यूज़र लेवल की होती हैं जिसमें मुझे आपको जो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार ये गन कैसी ये अच्छी है इसकी क्या फ़ीचर्स हैं ये कैसी चलती है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है आ, कितनी कामयाब है दुनिया में इसकी क्या रैंकिंग है मुख्तफ चीज़ें जो एक यूज़र को चाहिए होती हैं गन्स की अमिनेशन की रेंज रिपोर्ट छोटी मोटी चीज़ों की और ये किस तरह की गन है मतलब इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन तो जब वो शुरू किया तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो आते आहसे चलता रहा लेकिन एक स्टेज पे मुझे आके पता चला कि मैं ये इसको नहीं कर सकूँगा नहीं कर पाऊँगा उसकी रीज़न ये थी कि एक बहुत बड़ा ये ऐसा टास्क था जो मैंने पहले ज़िंदगी में पहले ऐसी इस तरह कभी नहीं किया था और मैं फ़्रेंकली बताऊँ कि इतना आसान काम नहीं होता कैमरे पर आके इस तरीके से बात करना और फिर स्पेशली जब आपकी कैमरा स्किल्स भी अच्छी ना हो और ये चीज़ें अच्छी ना हो लेकिन लेकिन मज़े की बात ये है कि एक दफ़ा नहीं चार पांच दफ़ा ऐसे हुआ कि जब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं और नहीं कर सकता मैं नहीं करूँगा और उसके अगले नहीं तो दो तीन दिन बाद किसी दिन एक ऐसा मैसेज आया था किसी बंदे का कि थैंक यू वेरी मच आपकी वजह से मेरा ये मसला हल हो गया थैंक यू वेरी मच आपने ये बड़ी अच्छी दी और मुझे वो इतनी इंक्रेजमेंट होती थी मैं कहता नहीं यार इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हेल्प चाहिए होगी और यकीन मानिए मैं ये इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जिंदगी में इंफॉर्मेशन ये आप ये जो एजुकेशन या अपना इलम बढ़ाना जो है ना ये शुरू से लेकर आखिर तक जब तक तो आप ख़त्म नहीं हो जाते या चलता रहता और रहना चाहिए और अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं हो रही तो आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ मिसिंग है ये अपने आप को एजुकेट करना अपने आप को इलम बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से ये चीज़ और पर्सनली मैं ये कहूँगा कि शायद मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तो शायद जो थोड़ी बहुत मुझे है मैंने ट्रांसफ़र की लेकिन मैंने ख़ुद बड़ा सीखा क्योंकि मेरे से ऐसे सवाल किए जाते थे जिनके मुझे जवाब नहीं पता होते थे बिताशा चीज़ें ऐसी होती हैं अकेले कुल कोई भी नहीं होता मैं भी नहीं हूँ कोई और भी नहीं है जारी बातें हम तो इसी सीखने के लिए करते हैं तो शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पहला और उससे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे क्रिटिक की जिन्होंने मेरी गलतियाँ निकाली जिन्होंने मुझे बताया कि ये कमी है बिलीव मी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप में इम्प्रूवमेंट सिर्फ उस वक्त आती है जब आप अपनी गलतियों पे फेलियर्स पे फोकस करते हैं सब अच्छा सब अच्छा कहते रहेंगे बड़ा जबरदस्त है तो मैं समझूंगा कि बड़ा ज़बरदस्त है नहीं वो लोग जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी ये ग़लती है दे आर द रियल हीरोज़ और बहुत शुक्रिया उनका जैसे मुझे हंसी भी आई दो तो तीन दफ़ा बड़े मज़े के वाक़ दो तीन छोटे सुना देता हूँ एक दिन मैंने वो जी थ्री का गालबन ये पी एफ स्पोटर का मैं कर रहा था और क्योंकि मेरा जॉब नेचर ऐसा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस तरह तो वो बात करते करते मैं वो सिंथेटिक के जो फ्रंट एंड गार्ड था उसको फाइबर का या पॉलीमर कैनिक के बजाय फाइबर ऑप्टिक कह गया और बाद में मुझे बड़ी हंसी आई कि यार मैंने क्या स्टूपिड भूगी मारी है और एक दिन एक साहब ने <laughs> और उससे मुझे बहुत हंसी आई कि उन्होंने कमेंट में लिखा कि भोंगे तुम हर बात में हंसते क्यों हो तो मुझे उससे और ज्यादा हंसी आई कि एक तो भोंगा लवस बहुत अरसे बात सुना था और फिर उसने मुझे भूंगा भी कहा तो और अभी मुझे उसकी हंसी आती है उस पर हंसी आती है एनीवे anyway, ये बातें तो चलती रहेंगी आ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ये इनशाला मैं कोशिश करूँगा कि जो जो जितना मेरी एबिलिटीज़ हैं मैं आहिस्ते चीज़ें अपडेट करता रहूँगा उसके ऊपर ताकि सारे का फ़ायदा और हम एक दूसरे से सीखने का मौका मिले और फाइनली आखिर में उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी स्किल्स में मदद की और उसमें स्पेशली साकिब साहब उनका मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ अमेजान के डी बी पब्लिशिंग के नाम से करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कैमरा स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है उन्होंने मुझे बताया कि आपकी थंबनेल्स कैसे इंप्रूव होंगी सर्च इंडन मार्केटिंग कैसे करेंगे ताकि आप लोगों तक ज़्यादा पहुँच सकें शाउट आउट टू मिस्टर शाकिब और उनकी जो भी पूरी टीम और इस तरीके से उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ अगर आपको डिजिटल मार्किंग की मार्केटिंग की ज़रूरत है हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यू कैन कंसल्ट हिम और वीडियो का मकसद ऑब्वियसली ये नहीं था कि मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन जारी बात है उन्होंने क्योंकि मुझे हेल्प किया तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट और बहुत शुक्रिया ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच खुश रहिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम